हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल माय नेम इज़ कु आर्डेमिस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न शिव छत्रपति इन्वॉर्मेंटल स्टडीज़ पार्ट टू स्टैंडर्ड फोर्थ चैप्टर नंबर फोर्टीन द फोर्थ इज़ कैप्चर बट द लॉयन इज डेट इसका मतलब होता है की गड पण सिंह गेला याचा मराठीतून अर्थ होतो गड पण सिंह गेला तो देखिए बच्चों यहा पे इस लेसन में आपको बताया गया है कि एक कोंडाना किल्ला था वो शिवाजी महाराज को जीतना था और वो शिवाजी महाराज के जो मावले थे उसमें एक तानाजी मालूसरे ये एक विश्वासु मावला था उनका साथीदार था शिव, शिव शिवाजी महाराज का साथीदार था तो तानाजी मालूसरे ने युद्ध करके वो कोंडाना किला कैसे जीता और उन्होंने वो कोंडा कोंडाना किला जीतने के लिए अपने प्राण किस तरह त्याग दिए ये आपको इस लेसन में सिखाया गया है इसलिए इस लेसन का नाम है द फोर्ट इज कैप्चर बट द लॉयन इज डेड गढ़ आलापन सिंह गेला इसमें सबसे पहले पहला पॉइंट दिया है जीजा माता विश यानी जीजा माता की क्या इच्छा थी द ट्वेंटी थ्री फोर्स विद शिवाजी हैंडेड ओवर टू जय सिंह वेयर स्टील इन देंड्स ऑफ द मुगल्स कोंडाना वॉज वन ऑफ दिस ट्वेंटी थ्री फोर्स तो देखिए शिवाजी महाराज के जो ट्वेंटी थ्री किले थे वो अभी भी मुगलों के पास थे तो 23 किलो में से ट्वेंटी uh, थ्री किले में से एक कोंडाना किला था जो अब मुगलों के कब्जे में था वन डे जीजा माता से शिवाजी शिवबा इट इज नॉट सेफ टू लिव द स्ट्रॉन्ग कोंडाना फोर्ट इन एनिमी हैंड्स यू मस्ट रिकैप्चर इट शिवाजी वॉज थिंकिंग on the same lines he was very unhappy that kondana was in mughal hands both shivaji and jizabai sahib very uh, sorry were very unhappy about it it was like a thorn in their side shivaji started making his plans for the recapture of kondana who कुड बी इंटरस्टेड विथ हिज तास, इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टू कॅप्चर कोंडाणा तर बघा शिवाजी महाराजचे तेवीस किल्ले मुघलांच्या ताब्यात होते त्यातला कोंडाणा हा एक किल्ला होता तो एक दिन जिजामाता शिवाजी महाराज को बोले की शिवबा कोंडाण्यासारखा बळकट किल्ला मुघलांच्या हाती असणे बरे नाही पुण्याजवळील कोंडाणा स्वराज्यात असावा म्हणून शिवराया शिवरायही तळमळत होते बघा वो कोंडाणा किल्ला का पे था? तो जो पुणे शहर उसके पास वो कोंडाणा किल्ला था और वो कोंडाणा किल्ला स्वराज्य में ही होना चाहिए ऐसा शिवाजी महाराज को लगता था लेकिन कोंडाना किला पर किसका कब्जा था मुगलों का कब्जा था और ये बात जब जीजा माता और शिवाजी छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज को मालूम हुई तो उनको बहुत ये बात खटक रही थी उनके मन को अच्छी नहीं लग रही थी तब भी शिवाजी महाराज ने एक निश्चय किया कि उनको वो कोंडाना किला क्या करना है अपने काबू में करना है अपने कब्जे में करना है तो इसलिए शिवाजी महाराज सोचने लगे कि ये कोंडाना किला जीतने के लिए हमें किसकी मदद लेनी चाहिए ये कोंडाना किले की कामगिरी हमको किसको देना चाहिए ये कोंडाना किला जीतना बहुत मुश्किल था बहुत कठिन था तो ये काम हमको किसको देना चाहिए इस बारे में शिवाजी महाराज सोचने लगे तो देखिए अभी शिवाजी महाराज ने किसको दिया वो काम कोंडाना किला का कोंडाना किले का काम किसको दिया तो देखिए आगे दिया है तानाजी मालूसरे तो अभी तानाजी मालूसरे कौन थे तानाजी वॉज शिवाजी कॉमरेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही केम फ्रॉम द विलेज ठे अम, नियर महड़ इन कोंकण कोकण तो देखिए ये तानाजी कौन था शिवाजी महाराज का एक विश्वासु साथीदार था वो कहाँ पे रहता था कोकण कोकण के पास जो महाड़ गांव था उस महाड़ गांव के पास उमरठे गांव में वो रहता था ही वॉज यूवर रेडी टू पुट हीज हर्ट एंड सोल इन टू एनी शिवाजी वॉज फैशनेटली डिवोटेड टू शिवाजी तो देखिए ये जो तानाजी था वो कहाता था महाड़ के पास उम्र उमर अठे गाँव के गाँव में वो रहता था और देखिए उसके मन में शिवाजी महाराज के बारे में बहुत आदर था उनके वो शिवाजी महाराज का आदर करते थे उनको भगवान मानते थे शिवाजी महाराज जो काम बताएंगे वो काम वो झट से करते थे कभी शिवाजी महाराज उनको बुलाते थे तो वो तैयार रहते थे ऐसा वो हिम्मत वाला इंसान था शरीर से बहुत धीपाड़ और बहुत ताकतवर भी था और उसकी बुद्धि भी बहुत तल्लक थी चालक थी और शिवाजी महाराज का वो भक्त था तो देखिए अभी तानाजी मालूसरे ने आगे जाकर कोंडाना किला कैसे जीता Pointe, Kondana's marriage first. Tanaji was busy making preparation for his son Raiba, Raiba's wedding. Everyone in the house was busy with the marriage preparations. The marriage was only four days away. Tanaji, though that he would go and invite Shivaji Maharaj and Masahib to the wedding, accompanied by Sheler Mama, he went to Shivaji Maharaj to give him and Masaheb his personal invitation to the wedding. On receiving the invitation from शिलार मामा शिवाजी सेड शिलार मामा यू गो बैक एंड सेलिब्रेट द वेडिंग आई एम सॉरी आई शाल बी अनेबल टू अटेंड आई हैव डिसाइडेड टू लीड अ कैंपेन फॉर द रिकैप्चर ऑफ कोंडाना तो देखिए ये जो तानाजी मालुसरे था तो तानाजी मालुसरे को एक लड़का था उनका नाम था तानाजी के लड़के का नाम था रायबा तो रायबा की शादी तय हो चुकी थी इसलिए तानाजी तानाजी के घर पे रायबा की शादी की तैयारियां चल रही थी चार दिन पर यानी फोर डेज अवे चार दिन पर ही रायबा की शादी होने वाली थी तो देखिए अभी चार दिन पर वो शादी थी और शिवाजी महाराज को वो कोंडाना किला जीतना था तो इसके लिए शिवाजी महाराज ने क्या किया उन्होंने कोंडाना किला जीतने के लिए तानाजी मालूसरेको वो कामगिरी दे दी लेकिन तानाजी रायबा की शादी थी. तो तानाजी तानाजीना वाटले महाराज आणि मासाहेब यांनी लग्नाला यावे तर यासाठी तानाजीने काय केले शेलार मामा यांना सोबत घेऊन ते रायबाच्या लग्नाचे आमंत्रण घेऊन शिवाजी महाराजांकडे गेले शेलार मामाने शिवरायांना लग्नाचे आमंत्रण दिले शिवाजी महाराज म्हणा त्यांना म्हणाले शेलार मामा तुम्ही रायबाचे लग्न उरकून घ्या आम्ही स्वतः काही लग्नाला येऊ शकणार नाही कारण आम्ही कोंडाण्याच्या कामगिरीवर जाणार आहोत मग पुढे बघा काय झाले आयस सुने असताना जी धीस ही सेड Maharaj, do you propose to undertake this difficult and dangerous campaign while Tanaji is still alive? Then, what is the use of persons like me? This will not do. I shall first perform the marriage of Kondana by capturing it. Raiba's wedding can wait. You must allow me to lead this campaign. एंड गिव मी यूर ब्लेसिंग फॉर इट सक्सेस तो देखिए तानाजी ने भी क्या तय किया जब शिवाजी महाराज कोंडाना किला जीतने के लिए जाने वाले थे तो ये बातें सुनकर तानाजी बोले कि महाराज जब तक तानाजी जिंदा है तब तक आपने कहीं भी जाना नहीं है आपने किसी भी कामगारी कामगिरी पर जाना नहीं हम किस लिए है हम ये काम करेंगे सबसे पहले हम शादी कोंडाना की करेंगे फिर रायबा की करेंगे ऐसा कह के वो ताना जी कोंडाना किला जीतने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने माँ साहिब से भी आशीर्वाद लिया तो देखिए बच्चों तानाजी किस तरह हो? वो कोंडाना किला जीतने के लिए आगे बढ़े ये हम अगले वीडियो में देखेंगे